वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एमवी राव ने अग्निशमन विभाग के डीजी का काम संभाल लिया है। एमवी राव ने अग्निशमन विभाग में सुधार की कवायद शुरू कर दी है। प्रचंड गर्मी के कारण प्रदेश में अगलगी की घटनाएं बढ़ गई हैं। स्टेट फायर ऑफिसर ने बताया कि अपने मौजूदा क्षमताओं के साथ अग्निशमन विभाग प्रदेश में कहीं भी अगलगी की घटना से निपटने के लिए हरदम तैयार है। अगर रांची की बात करें तो रांची के डोरंडा में 10 दमकल, पिस्का मोड़ में 3, धुरवा में 6 और आड्रे हाउस में 6 दमकल हर वक्त खड़े हैं। इसके अलावा धनबाद में 3, बोकारो में 3 और जमशेदपुर में 3 फायर स्टेशन है। रांची में 1 लिफ्ट फायर दमकल भी है, जिसमें बहुमंजिला इमारत में अग्निशमन की कार्रवाई की जाती है। फायर विभाग ने अपील की है कि गर्मियों में गैस चूल्हा और लूज वायरिंग का ख्याल रखें, अमूमन इन्हीं से आग लगती है। गर्मी का समय को देखते हुए पहला बात यह है कि अब जब भी खाना वाना अगर बनाते हैं, अधिकांशतः जो है कि ये गैस के चूल्हा से आग लगता है और इलेक्ट्रिक का फायर ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक का फायर होने का कारण ये है कि गर्मी में क्यों होता है, क्योंकि जो भी वायरिंग है ये सब जो है कि पुराना हो जाता है। मान लीजिए कि लोड अगर है मैंने 10 का, तो लोड अधिकांशतः गर्मी में जो है कि 20-25 लो लेता है। इससे जो है कि जो भी वायरिंग रहता है पुराना होने पर वो कहीं ना कहीं शॉर्ट करता है। तो वायरिंग पर ध्यान देना है कि कम से कम मैंने पुराना वायरिंग को छोड़ के नया वायरिंग लगाने से आग मैंने कम लग सकती है, फायर की कम हो सकती है। अग्निशमन विभाग के पास जितने भी संसाधन है उनका उपयोग आग लगने की घटना के समय किया जाता है, मगर संकरी गलियों में अग्निशमन को कार्रवाई करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। नगर निगम को चाहिए कि वह सड़कों की चौड़ाई पर ध्यान दे। रांची से न्यूज 11 के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर।